नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके देर रात साथ। टिमरनी नगर के राधाबाई पुल से लगभग 20 फीट नीचे टिमरनी नदी में गिरे ऑयल भरे टैंकर को क्रेन की मदद से निकाला गया। इस दौरान टैंकर चालक रूप सिंह पाल का शव दबा मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंकर क्रमांक MP05HG5710 छिंदवाड़ा से कच्चा तेल लेकर गुजरात जा रहा था। इस दौरान देर रात पुल से नदी में जा गिरा, जिसके चलते बिजली केबल टूटकर नदी में गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली लाइन बंद की। टैंकर ड्राइवर के लापता रहने पर पुलिस सूचना पर गाड़ी मालिक और ड्राइवर के परिजन आए। तब क्रेन की मदद से टैंकर को निकालने की कोशिश जारी रही। वहीं टैंकर के नीचे दबा ड्राइवर रूप सिंह पाल उम्र 45 निवासी ग्राम उमरी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ का शव मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया, पीएम के लिए भेजा। स्थानीय नदी में गिरे टैंकर में भरा तेल और डीजल नदी में बहा। टैंकर निकालने के दौरान क्रेन भी पलटी। खबर लिखे जाने तक टैंकर नदी में ही फंसा था। संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। निकालने का प्रयास कर रहे हैं। टैंकर द्वारा जो बिजली की लाइन वो भी इफेक्टेड कर दी गई है, उसको भी सुधाराई जा रही है और शीघ्र उसको निकाल लिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है कोई है तो? अभी बाहर से दृष्टिगत करते हुए चूंकि नदी में पानी भी है तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अभी इस संबंध में जा रहा है। क्या लगता है उसमें क्या भरा होगा? संभवतः उसमें जो है कोई तेल भरा हुआ है, वो खाने का तेल हो सकता है। रात को 3 बजे के करीब घूमना नहीं थी, कुछ मैं गिर गया नदी में, केबल टूट के नदी में गिरा है, तो मैं उठ के आया उस समय और सप्लाई बंद करी जिससे कोई करंट नहीं फैल पाए। तो कब की घटना? रात को 3 से 3:30 बजे के बीच से। क्या नुकसान हुआ बिजली का? केबल टूटा 3 पोल का। कोई करंट वाली दुर्घटना तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं। मैंने तुरंत आगे सप्लाई बंद कर दी थी ट्रांसफार्मर से। हाँ, अब ये ट्रक निकल जाए उसके बाद एक केबल जोड़ने की प्रक्रिया चालू करेंगे। आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।